वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर रश्मि देसाई। एक ऐसा नाम जो 20 सालों से इंडस्ट्री में और अब तक काम मिलते जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अब कहीं ना कहीं छुट्टी लेके मस्त लंदन लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस में और भी अमेरिका के और भी जगह पे घूम रही है, बहुत फन कर रही है, बहुत मजे कर रही है रश्मि देसाई। अब उनका एक इंटरव्यू आ चुका है बीबीसी के साथ, एक इंटरव्यू आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ। और वो इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि रश्मि देसाई से काफ़ी सवाल पूछे, सिद्धार्थ शुक्ला से लेके उमर रियाज तक के सवाल थे वहाँ पे। सवाल नहीं थे, उसमें जवाब भी थे। रश्मि देसाई ने बहुत अच्छे से संयम रख के अच्छे से जवाब दिया है। और मैं उमर रियाज फैंस को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें उमर रियाज के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है रश्मि देसाई ने। मैंने पहले कहा रश्मि देसाई और उमर रियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो ये फैंस में। फैंस क्यों उथल पुथल हो जाते पता नहीं, इतना टॉक्सिक क्यों हो जाते वो नहीं पता। आप लोग सिर्फ एक वर्जन देख के ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हो, आपको दूसरा वर्जन भी देखना होगा। देखो मैंने पहले ही कहा था, मैं वो चैनलों में से नहीं है कि ये दोनों में झगड़ा हुआ है तो मैं आग लगाना शुरू कर दूँ, मैं और भी बहस करना शुरू करूँ। इन लोग का जब इन दोनों के बीच में जब कुछ प्रॉब्लम हो गया, रश्मि देसाई ने अनफॉलो किया, मैंने मेरा चैनल आप विजिट करें, मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया कोई भी चीज़, ना ही कि कहीं पे रश्मि फैंस को हर्ट हो, ना ही कहीं पे उमर फैंस को हर्ट हो, क्योंकि मैं तो दोनों को चाहता हूँ, उमर को भी चाहता हूँ, रश्मि को भी चाहता हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया किसी भी चीज़ों के ऊपर, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोई भी एक फैंस को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जो टॉक्सिक फैंस होते हैं ना, वो लोग जाके खोज मतलब छोड़ देते हैं यार, ये कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही साइड को ये कर। और दूसरी बात क्या, हम क्या अच्छा भी नहीं लगता है, इनकी पर्सनल लाइफ है, रश्मि देसाई उमर जैसा पर्सनल लाइफ है, तो हम कौन होते हैं उसको जाके बात करने के लिए, ठीक है। और मैंने एक वीडियो उसके बाद में लास्ट में बनाया था जब बहुत ही टॉक्सिक हो गए थे कि रश्मि देसाई के फैंस उमर रियाज को गाली दे रहे थे और उमर रियाज के फैंस रश्मि देसाई को गाली दे रहे थे। ऐसे भी नहीं कि रश्मि देसाई के फैंस उमर रियाज के फैंस को गाली दे रहे या उमर रियाज के फैंस रश्मि देसाई के फैंस को गाली दे रहे, ऐसा भी नहीं। ये क्या कर रहे थे, ये फैन है वो रश्मि देसाई को गाली दे रहे और ये फैन है उमर रियाज को गाली दे रहे, जबकि उमर रियाज और रश्मि देसाई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े से हो जाते हैं रूठना। उन लोगों का पर्सनल लाइफ है, आप लोग इतना झाँकोगे ना आप लोग ही अपना भेजा खराब करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, उनका पर्सनल लाइफ है, उन लोग जब खुल के सामने आएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो फालतू न्यूज़ देखना छोड़ दो, जो अफवाह फैलाते कि भाई उमर ने ऐसा किया, ए भाई रश्मि ने ऐसा किया, ये अफवाह वाला जो अफवाह फैलाने वाला न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ चैनल्स को ना बॉयकॉट करो, अवॉइड करो, ठीक है। जो एकता में बिलीव करता ना उस चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे मेरे चैनल को तो एकता में बिलीव करो, एकता कपूर में नहीं, एकता में बिलीव करो। तो एकता होना चाहिए रश्मि देसाई उमर रियाज, आज नहीं तो कल कभी और आएंगे साथ में। और उनका प्रोजेक्ट भी जो अब सामने नहीं दिख रही है, बट वो सामने आ जाएगी। पर रश्मि देसाई को आने दो, अमेरिका से रिटर्न आने दो, राजीव आदित्य नेहा भसीन से मिलने दो, बातचीत होने दो। ये राजीव आदित्य और नेहा भसीन ही इनका एक मेडल बोलते ना, ये दोनों को मिलाने वाले किरदार है, तुम मिलाएंगे तो आप लोग टेंशन मत लो। तो जो न्यूज़ में जो बहुत सारी बातें हुई वो आप लोगों को मैं एक एक क्लिप बता दूंगा। मेरा अगले वीडियो प्लीज़ वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो एक एक चीज़ मैं आप लोग को सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जो बात कही है कि बहुत अच्छे से उनकी उनकी जितनी भी झगड़ा हुई है तो उस पर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो उनका पर्सनल लाइफ है। मैं जैसे पहले भी कहा पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, जो उनकी बात जो अगर बाहर हो उस पर ही जाना चाहिए। तो उनकी झगड़े होते थी ठीक है, लेकिन बाद में बिग बॉस 7 के बाद दोनों अच्छे से अच्छा खासा बात भी करने लगे थे। और रश्मि देसाई ने क्लियरली इंटरव्यू में कहा, फिर उमर रियाज के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ये है। तो आप लोग मैं से ज़्यादा वीडियो देख लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।